आ गई आप? मैं तो आ गई, लेकिन तुम कहाँ गई थी मेरी इजाजत के बगैर? आप मुझे बताए बगैर चली गई थी तो मैं भी आपको बताए बगैर चली गई। एक सेकेंड अरूज, शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी नहीं। अब बताओ कहाँ गई थी? मैं जवाद के साथ लंच पर गई थी। ओ अच्छा, जवाद के साथ, ठीक है पहले बता देती। आपने भी तो मुझे नहीं बताया क्या कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, न घर न बैंक बैलेंस, सब कुछ तो फयाज अंकल के पास है। जो अनकरी मेरा हो जाएगा। बेटा जी ये सब किसने कहा है तुम्हें? अब भी माशाल्लाह मुख्तार भाई के पास बहुत कुछ है। मुझसे खुद जवाद ने कहा है ये सब, और साथ में ये भी कहा है कि मैं सोच लूं कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। रूज तुमने क्या सोचना है, मेरा जवाद हीरा है, वैसे भी तुम जैसी लड़की को उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अरुज, मेरा जवाद माशाल्लाह अच्छे खानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? मामी आप क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? और तुम एक बात पे के पैसे नहीं है उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश हो। रशीदा, हाँ रशीदा, चलो ठीक। रशीदा, अब सारे काम रशीदा ने ही करने हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप भी काम करवाया करें ना रशीदा के साथ। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरी जबान तो ऐसी है ताई अम्मी, मैं तो अपने साथ होने वाले जुल्म पे कभी खामोश नहीं रही। जुल्म? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? उल्टा तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या कर रही थी तुम जवाद के कमरे में? क्या मतलब? मैंने खुद तुम्हें जवाद के कमरे से निकलते हुए देखा है। तो ये कि क्या करने गई थी उसके कमरे में? आपके अंदर इतना शक का जहर भरा हुआ है तो अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेती? मैं तो कुछ भी कहूंगी आपने तो यकीन करना ही नहीं। शर्म करो, भाभी हो तुम उसकी। शर्म वो करे ना, क्यों नहीं चला जाता इस घर से? आने दो राशिद को, बताती हूँ उसे उसकी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम, फिर देखना कैसे धक्के देकर निकालेगा तुम्हें घर से बाहर। अपने भाई को क्यों नहीं धक्के देकर निकालता है? जवाब, मैं क्यों निकलूं इस घर से? मैं क्या कर रही हैं आप? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस लड़की से निमटना बहुत अच्छे से आता है। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी शर्ट देने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अगर सबकी खुशी इसी में तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। इफ्रा प्लीज प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो मैं जाऊंगा। इफ्रा तुम नहीं, ये तुम्हारा घर। छोटी छोटी बातों को इशू बना लेती हैं। छोटी सी और जरा सी बात नहीं है ये, आगे चलकर यही छोटी सी बात पहाड़ जैसी बन जाएगी। खैर छोड़ो, दफा करो ये। तो मुझे बताओ कि अरूज से मिले हो तुम? जी अम्मी मैं अरूज से मिल गया था। फिर क्या अम्मी, बस सब ठीक था, और क्या बताऊँ।